मथुरा में लॉ कॉलेज के प्रोफेसर के ऊपर एक लॉ की छात्रा रही एक महिला ने बलात्कार का मुकदमा कई महीने पहले थाना हाईवे में दर्ज कराया था, जिसके बाद पीड़िता कई बार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी से गुहार लगा चुकी है। तो पुलिस ने चार अभियुक्तों से मुख्य आरोपी डीडी चौहान को बलात्कार के मामले में पिछले महीने जेल भेज दिया, जिसके बाद आज मथुरा के वकील आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में एसएसपी ऑफिस पर धरने पर बैठ गई। उनकी मांग है कि जिस महिला ने एक वकील के ऊपर झूठा बोलकर बलात्कार का मुकदमा दर्ज लगाया है, वह झूठे नाटक करके उसे जेल भिजवा दिया है। उस महिला ने जब डीडी चौहान से शादी की बात की तो फिर उस पर बलात्कार कसक लगा दिया है, जबकि एक महीने से वो जेल में भी है। इसी के लिए हमारी मांग है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होकर आगे की कार्रवाई और आरोप लगाने वाली महिला पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट है और हमारे साथी अभियुक्ता डीडी चौहान को लगभग एक महीने पहले जेल भेज दिया गया एक झूठे केस में, और उनके भाई के साथ और एक अधिवक्ता है विनोद बिंदल उनके खिलाफ और उसके भाई की पत्नी के खिलाफ FIR की गई है, जो बिल्कुल गलत है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कई बार हम कप्तान साहब से मिले हैं, इसकी कोई जांच नहीं हो रही है प्रॉपर रूप से। इसी को लेकर के हमारे साथी अधिवक्तागण आज धरने पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें न्याय होना चाहिए। न्याय नहीं होगा तो ये धरना आगे तक चलेगा और हम इसके पीछे कहीं तक भी जाएंगे। हम न्याय चाहते हैं, न्याय 100% न्याय चाहते हैं, और इसमें जो गलत लोगों ने जिस तरह से FIR दर्ज कराई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो पीड़ित जो महिला है जिसने आरोप लगाया है वो भी एक वकील है और उनके ऊपर क्या नहीं, उसने शादी की है, शादी का सर्टिफिकेट है, शादी करने के बाद में किसी को आप क्या झूठा फंसा सकते हो? ये बिल्कुल एक चाल है कुछ लोगों की, षड्यंत्र है और षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। गलत लोगों के बहका में आकर के FIR हुई है, अननेसेसरी पुलिस पर प्रेशर बनाया जा रहा है, उस प्रेशर को हटाना चाहिए और इसकी जांच हो पूरी तरह से, और जांच होने के बाद में जो फैक्ट हैं वो सामने सबके सामने आने चाहिए। इस मामले को लेकर के वकीलों में कुछ दो फाड़ दिख रहे हैं? नहीं, कोई फाड़ नहीं है, वकील एक ही फाड़ है। वकीलों का सबका साफ कहना है कि डीडी चौहान को गलत फंसाया गया है, लोगों के खिलाफ गलत FIR की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच हो, कमेटी बनाई जाए और कमेटी के सामने वो फैक्ट आएंगे, सबके सामने फैक्ट आएंगे तो सच्चाई सबके सामने अपने आप आ जाएगी। और हम यही चाहते हैं कि इसमें प्रॉपर रूप से जांच हो जानी चाहिए।